तो आज फिर हाजिर हूं मैं एक नए वीडियो के साथ। और आज का वीडियो है कि एक नॉर्मल जो काम करने वाले लोग हैं उनकी कम से कम सैलरी कितनी रहती है और एक महीने में कम से कम कितना खर्चा हो जाता है, इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो पहली बात तो यह कि ये मेरा वीडियो लेट हो गया क्योंकि अभी रमजान आ गया, तो रमजान में यहाँ पे थोड़ा काम बढ़ जाता है जिसकी वजह से ये मेरा वीडियो लेट हो गया, मुझे टाइम नहीं मिल पाया। बात करूं हाउस ड्राइवर, क्लीनर, हाउस बॉय, किचन हेल्पर, खाना बनाने वाले कुक, या फार्म हाउस में साफ सफाई करने वाले, या फार्म हाउस में टी कॉफी चाय कावा जिसे बोलते हैं वो बनाने वाले, इन सब बेसिक कामों की यहाँ पे सैलरी है 100 दिनार। कभी कभी किसी किसी को, जैसे बांग्लादेश का है कोई, तो वो 90 दिनार में भी आ जाता है। ज्यादातर लोगों को 100 दिनार ही न्यू लोगों को मिलती है, ये है बेसिक रूल। उसके बाद अगर बात करें कि इन सब कामों में कम से कम कितने घंटा काम करना पड़ता है, इन सब कामों में मेरे को 2 साल हो गया कुवैत में। मैं पहले सऊदी गया था, उसके बाद मैं कुवैत आया हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और जो लोगों से बात किया हूँ वो बता रहा हूँ। इन सब कामों में आपको बेसिक कम से कम काम करना पड़ेगा, आपको 8 से 10 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ेगी ड्राइवर को हटा के, क्योंकि अगर जो हाउस ड्राइवर है उसका फिक्स नहीं है कि कब उसको कितनी टाइम क्या काम आ जाए। रात में बहुत कम आता है, 10, 10:30, 11 के बाद काम नहीं रहेगा, लेकिन आ भी सकता है, कोई फिक्स नहीं है, ये हाउस ड्राइवर का काम है। उसके बाद जैसे बावर्ची है, क्लीनर है, इन लोग का फिक्स है कि भाई इस टाइम के बाद काम नहीं रहेगा, ये चीज है, ड्राइवर का कोई फिक्स नहीं है। तो जो क्लीनर है, जो चाय कावा बनाने वाले लोग हैं, उन लोगों की ज्यादा से ज्यादा ड्यूटी 8 से 10 घंटे के करीब रहती है। और जो नॉर्मल सैलरी मिलती है 100 दिनार, 100 दिनार के बाद यहाँ पे एक रूल ये है कि 95% लोगों को यहाँ पे खाना घर से मिलता है, यानी जैसे हाउस ड्राइवर है तो उसको घर से खाना मिलेगा, बावर्ची है तो वो खुद ही खाना बना रहा है, जैसे फार्म हाउस में काम करता है तो उसको कुछ खाना देगा, ले जाके सामान देगा या उसको एक्स्ट्रा पैसा देगा कि भाई ये तेरा 25 दिनार या 30 दिनार या 20 दिनार महीने में हम तुमको देंगे, तुम अपना जो खाना है खाओ, एक ये रूल है। एक रूल ये है कि वो सामान लाके देगा, सारी चीजें आपको लाके देगा, आप बनाओ खाओ, ये चीज है। अब अगर बात करें कि खर्चा कितना होता है महीने में कोई में, एक बेसिक आदमी का मेरा या किचन हेल्पर का या क्लीनर का, इन लोगों का महीना में खर्चा कितना होता है? खाने का खर्चा नहीं होता, आपको पता है, मैंने बताया डिटेल में, खाने का खर्चा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको खाना घर से मिलेगा। रूम का खर्चा नहीं है, क्यों? क्योंकि रूम घर से मिलेगा। 2 बड़े खर्चे हैं वो फ्री है यहाँ पे। अब बचा क्या कि आपका इंटरनेट कितना है यहाँ पे? नॉर्मली जो इंटरनेट है 5 दिनार में 500 GB मिलती है, 1000 मिनट मिलते हैं, एक आदमी के लिए इनफ है। एक आदमी को महीने में कम से कम खर्चा जो रहता है, जिसे वो 15 दिनार ज्यादा से ज्यादा खर्चा है उसका एक महीने में, 10 दिनार आखिरी, कम से कम 15 दिनार। क्यों? क्योंकि जैसे आप कभी घर में खाना अच्छा नहीं लगा, आप बाहर से खा लिए, कभी आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो आप होटल जाके खा लिए, 5 दिनार इंटरनेट का हो गया, उसके बाद आपका पर्सनल खर्चे के लिए कोई चीज की जरूरत पड़ी, शैम्पू ले आए, तेल ले आए, साबुन ले आए, इन सारी चीजों में आपका ज्यादा से ज्यादा महीने में 15 दिनार खर्चा होगा। कभी आपका मूड नहीं किया खाने का, घर में मन नहीं है, अच्छा खाना नहीं मिला घर में, तो आप बाहर जाके खा सकते हैं, कभी आप ब्रेकफास्ट बाहर में कर लिए। मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया कि जो लोग नए आना चाहते हैं उनको पता चल जाए कि एक महीने में कितना खर्चा है और एक महीने की बेसिक सैलरी कितनी। और यहाँ से इंडिया भेजना पैसा एकदम आसान है, किसी भी बैंक में जाओ, हर जगह जगह में यहाँ पे बैंक है, आपको 10 दिनार से 500 दिनार तक भेजना है उसका चार्ज एक ही लगेगा, एक चार्ज ही, सेम चार्ज है। आपको अगर 10 दिनार भेजना है तो भी 1 दिनार लगेगा, आपको अगर 500 दिनार भेजना है तो 1 दिनार चार्ज लगेगा, ये रूल है। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, ये मेरा नया चैनल है, इसको ग्रो करने में हेल्प करें। थैंक यू।